हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव सुरकार और आपने गौरव गोल्डन रूफटॉप देखने की शुरुआत की है। और ये वीडियो में हम सोयाबीन के फसल पर अब हमें कौन सी गलतियां नहीं करनी और कौन सी गलती आपको लास्ट तक बहुत महंगी पड़ सकती है, ये डिटेल में बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देख लीजिए। तो ये वीडियो में हम 7 गलती बताने वाले हैं जो कि आपको सोयाबीन के फसल के साथ बिल्कुल ही नहीं करनी है। और वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे इम्प्रूवमेंट भी आपके साथ साझा होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कीजिए ताकि ऐसे ही नए नए वीडियो आपके लिए लाया करें। ये जो 7 बातें हैं जो आपके फसल को A1 बिल्कुल बना देगी। अब हमारा सोयाबीन लास्ट की स्टेज पर आ चुका है, मतलब यहाँ पर फूल फल में परिवर्तित हो गए और बहुत सारी फलियाँ बनना शुरू हो गई है। 30% फ्लावर पौधे पर बचे हैं। तो ये स्टेज में हमें नाइट्रोजन का इस्तेमाल बिल्कुल ही नहीं करना है क्योंकि कोई भी NPK का यूज़ करते हैं तो उसमें नाइट्रोजन 0 होना चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है पौधे के ग्रोथ, मतलब पौधे की जो हाइट होती है उससे बढ़ती है पौधे की ग्रोथ होती है। तो हमें पौधे की ये स्टेज में ग्रोथ बिल्कुल ही नहीं करनी क्योंकि नाइट्रोजन के इस्तेमाल से पौधा ज़्यादा हरा भरा रहेगा और ज़्यादा बढ़ेगा। तब अगर ये स्टेज में पौधा बढ़ता है तो पूरी एनर्जी पौधे को बढ़ने में लग जाएंगी और इसमें फलियाँ अच्छी नहीं बनेंगी, साथ ही साथ इसमें जो दाना होता है वो भी छोटा साइज का रह जाएगा, इसलिए हमें नाइट्रोजन का इस्तेमाल नहीं करना है। उसके बाद सेकंड गलती, हमें कोई भी हर्बिसाइड का स्प्रे नहीं करना है क्योंकि बहुत सारे फार्मर अभी क्या कर रहे हैं कि हमारा लास्ट स्टेज पर सोयाबीन है और इसमें फलियां बनना शुरू है तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारा खरपतवार नीचे बनना शुरू है। तो उनका कहना है कि अगर खरपतवार को अभी कंट्रोल करेंगे तो सोयाबीन बनने के बाद जो हार्वेस्टिंग का टाइम होता है वहां पर उन्हें दिक्कत नहीं जाएंगी। लेकिन एक बार सोयाबीन को सूखने दे, बाद में आपको जो स्प्रे करना है करें, लेकिन पहले आपको हर्बिसाइड यानी तननाशक जो होता है इसका कोई भी इस्तेमाल आपको बिल्कुल ही नहीं करना है। अगर वो करेंगे तो यहाँ पर आपकी फसल और जो यहाँ पर फलियाँ लगी वो भी गल जाएंगी और साथ ही साथ पौधे में कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट आपको अच्छा वाला नहीं मिलेगा। तो सेकंड गलती, आपको कोई भी हर्बिसाइड का स्प्रे बिल्कुल ही नहीं करना है। तीसरी गलती, हमें तीसरी गलती कौन सी नहीं करनी ये वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो हमें यूरिया का इस्तेमाल यहाँ पर बिल्कुल ही नहीं करना है क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। यूरिया से आपकी जो पौध होती है या फिर आपके जो सोयाबीन की फसल होती है वो बढ़ना फिर से शुरू कर देगी। यहाँ पर हो सकता है आपके फ्लावर भी ड्रॉप हो जाए। और पौधे को अभी हमें एक बात ध्यान में रखनी है कि जो पौधे की पूरी एनर्जी है हमें फलियाँ बनने में लगानी है, मतलब इसकी जो झाड़ाला ज्या शेंगा लगता त्याला जेवढी एनर्जी पाहिजे ते आपल्याला पर्टिक्युलर वेनी त्याला द्यावं लागणार आहे, नाहीतर तुमच्या झाडामध्ये शेंगाची कमतरता राहील आणि तुमचा दानाही पूर्ण भरला जाणार नाही। तर आपल्याला युरियाचा यूज इथे बिलकुल ही करायचा नाही आहे। और आपको युरिया का इस्तेमाल कब करना है ये आगे बताने वाले हो, तो वीडियो को पूरा देख लीजिए। अभी चौथा पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अभी महाराष्ट्र में एवं भारत में बहुत सारी जगह बारिश बिल्कुल ही गिरना बंद हो गई है और ये स्टेज में सोयाबीन की फसल को बहुत सारी बारिश की यानी पानी की आवश्यकताएं होती है क्योंकि यहाँ पर जो फूल होते हैं वो फल में परिवर्तित तो हो गए, लेकिन अब जब इसी फलियाँ बनती है तो फलियाँ में जो दाना बनता है, जब सोयाबीन इसमें बनना शुरू होता है तो यहाँ पर पानी की बहुत ही इसको ज़रूरत होती है क्योंकि अभी पौधे को जितना ज़्यादा पानी मिलेगा उतना फलियाँ अच्छे से बनेंगी और यहाँ पर प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा। अगर आपके एरिया में बिल्कुल ही बारिश बंद हो गई है और नीचे की मिट्टी आप चेक कर लीजिए, वहाँ पर नमी नहीं बनी है और साथ ही साथ पौधे में यहाँ पर कुछ भी नमी नहीं बनी और आपका पानी पूरा नीचे से ख़त्म हो गया है, तो आपको एरिगेशन सिस्टम कन्फर्म लगाना चाहिए क्योंकि यही स्टेज में अगर पौधे को पानी नहीं मिला तो इसकी फलियाँ अच्छे से नहीं बनेगी और सोयाबीन की जो लास्ट वाली हार्वेस्टिंग होती है इसमें आपको उपज बहुत ही कम मिल सकती है। तो अगर आपके पास एरिगेशन सिस्टम का कोई भी साधन आपके पास अवेलेबल है तो आप पानी का इंतजाम कर सकते हैं। अगर बहुत देर तक आपके यहाँ बारिश नहीं हुई तो अगर नीचे की मिट्टी थोड़ी सी भी नमी है तो पानी मत दीजिए, लेकिन पूरी सूख गई है तो आपको पानी देना बिल्कुल लाजमी हो जाता है, नहीं तो आनन फानन में आप पानी नहीं देंगे और आपकी फसल यहाँ पर निगेटिव इफेक्ट के साथ आपको प्रोडक्शन भी कम होगा। तो यहाँ पर जो 5वीं गलती है, अब हमें कौन सी नहीं करनी है, तो पौधे में हमें अच्छा सा इंसेक्टिसाइड यूज करना है, मतलब यहाँ पर
कीटनाशक अच्छा इस्तेमाल करना है, क्योंकि जो यहाँ पर डंक मारने वाली जो सुंडी होती है वो सोयाबीन के ऊपर एक हल्का सा डंक मार देती है, वहाँ पर यहाँ पर एक छोटा सा होल गिर जाता है, और जब बारिश आती है तो बारिश का पानी यहाँ पर फली के नीचे चला जाता है और उसमें जो सोयाबीन की फसल की फली होती है वो सड़ जाती है और पूरे यहाँ पर ब्लैकिश कलर के बीन्स हो जाते हैं। तो हमें अच्छे से अच्छा इंसेक्टिसाइड जिसका प्रभाव 15 से 18 दिन तक रहे, यही दिन में हमें वो इस्तेमाल करना है। यहाँ पर हमें बिल्कुल ही कंजूसी बिल्कुल ही नहीं करनी, क्योंकि एक अच्छा सा इंसेक्टिसाइड ही आपको अच्छी प्रोडक्शन देगा। तो आपको ये गलती बिल्कुल ही नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पर यही एक स्टेप आपके सोयाबीन की फसल को आगे लेके जाने वाली है। अगर आपके फसल के ऊपर सुंडी का अटैक हो जाता है और कंट्रोल नहीं होता तो आप मेडिसिन चेंज कर सकते हैं, या फिर कृषि केंद्र शॉप से अच्छी सजेशन लेके फिर दूसरी भी मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हमें इंसेक्टिसाइड बहुत ही अच्छी इस्तेमाल करनी है, साथ ही साथ फंगीसाइड का भी इस्तेमाल इसमें ऐड में कर सकते हैं। उसके बाद हमें छठवीं गलती ये नहीं करनी कि जब हम सोयाबीन की फसल को देखते हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी फसल पीली पीली हो रही है और आपकी अभी फलियां भी भरना शुरू है, मतलब आपके पौधे को पूरी फलियां नहीं लगी, 30-40% अभी फलियां लगना बाकी है, साथ ही साथ पौधे में कुछ फूल भी, ये देखिए इतनी फलियां आपके पौधे के ऊपर है, मतलब इसमें और भी फलियां लगने वाली है, तो ये स्टेप में अगर आपको सोयाबीन की जो फसल होती है वो पीला पड़ना शुरू होती है तो आपको थोड़ा सा नाइट्रोजन का इस्तेमाल करना है और साथ ही साथ 2% यूरिया का छिड़काव करना है आपको पौधे के ऊपर। इससे क्या होगा कि सोयाबीन की फसल थोड़ी हरी हो जाएंगी और हरी होते ही इसमें फोटोसिंथेसिस बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अगर ये स्टेज में पौधा अगर खाना नहीं बना सकेगा तो इसमें फलियाँ भी नहीं बढ़ेगी, मतलब फलियाँ जो बनती है उसमें दाना बनता है, उसके लिए पौधे को खाना बनाना लाजमी हो जाता है। एक बार पौधा अच्छे से खाना बना ले बाद में ये फलियाँ भी अच्छे से भरेंगी, तो हमें 2% यूरिया का इस्तेमाल यहाँ पर करना है। और लास्ट वाली गलती जो कि बहुत किसानों के साथ हो चुकी है, अगर आपको सोयाबीन की फली मजबूत बनाना है उसमें दाना अच्छे से भरना चाहिए, सोयाबीन की फसल के दाने के ऊपर अच्छा सा फ्लैश होना चाहिए, तो हमें यूज ऑफ बोरान करना है, मतलब बोरान जो माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है उसका इस्तेमाल करना है। उससे क्या होता है कि पत्ते अच्छे से रहते हैं, साथ ही साथ जो फलियां होती है फलियों का साइज भी अच्छा बढ़ने लगता है, साथ ही साथ उसमें दाना जो होता है मतलब उसमें बीन्स होता है उसका भी साइज बड़ा होता है, फलियां प्रॉपर होती है, दाने की साइज बढ़ जाती है, जो इसकी फली होती है उसका फ्लैशिंग अच्छा दिखता है और हमें प्रोडक्शन में आगे बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। तो हमें जिंक एंड बोरन दोनों का भी इस्तेमाल करना चाहिए। इसकी कितनी लागत हमें लगती है वो कृषि केंद्र शॉप से जाकर आप देख सकते हैं। तो शॉर्ट में फिर से एक बार बताते हैं, हमें नाइट्रोजन का इस्तेमाल नहीं करना है, इसके साथ हर्बिसाइड का इस्तेमाल नहीं करना है, हमें यूरिया भी नहीं डालना है, पानी दे सकते हैं तो दे दीजिए, अगर अच्छा इंसेक्टिसाइड यूज़ करेंगे तो प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा। अगर आपकी सोयाबीन की फसल पीली गिरने शुरू है तो उस पर 2% यूरिया का छिड़काव कर सकते हैं और बोरान का इस्तेमाल कीजिए ताकि आपकी जो फलियाँ होती है वो अच्छी है। कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट आप अच्छा वाला यूज़ करेंगे तो आपको प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और हमारे वीडियो देखते रहिए।